डियर स्टूडेंट्स, मैं सुकुर सिंधु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे रियल नंबर की। तो जो रियल नंबर्स की 1.2 है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट सम है वो हमारा क्या है, वो हमारा सम क्या है, एक्सट्रैक्ट ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जो नंबर हमने लिखे हुए यहाँ पे इनको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के दिखाना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हमारी क्या है फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी आपका जो कंपोजिट नंबर होगा उसको आप प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी आपका कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। वो जो प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे वो आपका यूनिक होगा, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। वो हमारी क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में, और जो प्राइम फैक्टर होंगे वो आपके क्या होंगे, यूनिक होंगे, उसके जैसा कोई दूसरी चीज नहीं लिख सकेंगे हम। ये हमारी क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम करते हैं क्या, इसके फैक्टर करके दिखाने हमें किसके, 140 के, 3825 के और 7429 के। तो सबसे पहले हम करते हैं 140 के फैक्टर, कैसे प्राइम फैक्टर, क्योंकि वहां पे हमारे क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है। तो 140 को हमने लिख दिया प्राइम नंबर का। आपको पता ही होगा ऐसे कोई दो नंबर जो अपने आप से भाग हो और एक से भाग हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। या ऐसे कोई दो नंबर जिनके फैक्टर क्या हो, दो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और सबसे जो पहला हमारा प्राइम नंबर है नेचुरल नंबर के अंदर वो हमारा क्या है, 2 है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 को फैक्टर करने के बारे में। 2 7 14 2 3 14 2 0 0 2 3 2 3 6 2 5 10 और 5 7 35। हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया किसके अंदर, प्राइम फैक्टर के अंदर। अब इसको हम लिख के दिखा सकते हैं कैसे, 2 × 2 × 5 × 7 और 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। ये सम नंबर आपका था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इस किसको फैक्टर करने के बारे में देखते हैं इसको। 3 8 2 5 पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2 है। हमने देखा ये जो नंबर है वो 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, ये किससे कैंसिल हो रहा, आपका नंबर 3 से कैंसिल हो रहा है। कैसे पता लगा हमें, हम इनको ऐड करते हैं, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18 इनका जोड़ कितना आएगा, 18। अगर किसी भी संख्याओं का जोड़ 18 21 24 यानी कि उनका जोड़ अगर 3 से भाग हो तो वो पूरी संख्या भी किससे भाग होती है, 3 से भाग होती है। तो इसको हम 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 1 जा 3 1 3 3 2 जा 6 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा हमारा, 2 भी एक आगे है, 2 और 2 22 हो गए, 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास से 72। तो 3 7 जा 71 और 3 5 जा 15 3 5 15 3 1 3 3 2 6 3 7 21 फिर 3 5 15 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15 फिर जोड़ 15 है, 3 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू भी क्या होगी, 3 से भाग होगी। तो फिर 3 से 3 4 12 3 2 6 3 5 15
फिर हम क्या देखेंगे, तीन से डिवाइड हो रहा है यानी हो रहा है, पांच और दो सात और चार ग्यारह, आपके बाद जोड़ ग्यारह है तो तीन से भागे नहीं होगा, अगर तीन से भाग नहीं होगा तो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है वो क्या है, पांच है, तो इसको हम किससे कैंसिल करेंगे, पांच से पांच अठे चालीस और कितने बच के दो पांचो पांचो पच्चीस, फिर किससे देखते हैं, पांच से पांच कम पांच और पांच आते पैतीस, इस तरीके से इसके हमने क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए, इनको हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू 3 × 3 5 × 5 मल्टीप्लाई कितना 17, इसको क्या लिखते हैं, तीन कितनी बार है दो, तो तीन की पावर दो, पांच कितनी बार है दो बार, तो पांच की पावर भी कितनी दो, और 17 कितनी बार है एक बार, तो 17 को हमने क्या कर दिया एज इट इज रख दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 7 × 4 = 9 है, इसके प्राइम फैक्टर आप क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमने क्या सीखा है, प्राइम फैक्टर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। स्टूडेंट हमारा तो सेकंड सम है, उसके अंदर हमें क्या निकाल के दिखाना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करके दिखाना है। एलसीएम का आपको पता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। सम नंबर इसका फर्स्ट करते हैं, कितना है 26 और 91, और एक थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। दो सम हमने लिख दिए, एक तो 26 एंड 91, और उसका थर्ड सम लिख दिया हमने 336 और 54, जो सेकंड सम है वो आपके लिए छोड़ दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसके भी फैक्टर करने के बाद हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 76 के फैक्टर करते हैं, दो एकम दो, दो तिया छह, तो ये फैक्टर हो गए किसके, हमारे 76 के। इसी तरीके से हमें किसके फैक्टर करेंगे, हम 91 के करते हैं, 91 के 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, 4, 5, 6, 7 सेवन से कैंसिल हो रहा है, 7 × 7 और 7 × 21, तो हमने क्या किया, पहले तो फैक्टर कर लिए किसके, 26 और 91 के। अब हम क्या निकालेंगे इसके, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ पहले हम निकालते क्या है, इसके फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 13 और 91, 7 × 13, सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी कोई क्वांटिटी जो इन दोनों नंबर के अंदर क्या हो, इंक्लूड हो, वो वैल्यू हम कहां पे लिखते हैं, एचसीएफ के अंदर। हमने देखा यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर ये कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर तो देखा हमने कितना 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, हमने क्या लिख दिया 13 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, जब आपके दो नंबर्स गिवन हो, कितने नंबर गिवन हो आपको, टू नंबर्स गिवन हो तो क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एच सी एफ, जो भी आपको दो नंबर गिवन है उनकी आप यहाँ पे गुणा लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एच सी एफ से, तो आपका निकल के क्या आएगा, एल सी एम निकल के आएगा। तो हम क्या निकालते हैं, एल सी एम, हमने देखा हमारे पास दो नंबर क्या थे, 26 और 91, तो हमने यहाँ पे 26 लिख दिया और क्या लिख दिया, 91 लिख दिया, डिवाइड किससे करेंगे इसको, एच सी एफ से, एच सी एफ क्या आपका 13 है, क्या आपका 13 कैंसिल आउट कर दो, 13 × 2 = 26,
अब दो की गुणा करेंगे इसके साथ कितने आएगा, दो एकम दो, दो निमे 18। तो हमने क्या निकाल दिया इसका, एचसीएफ निकाल दिया वो आपका 13 है, हम एलसीएम निकाल दिया वो आपका कितना है 182 है। सेम प्रोसीजर से अब हम इसको सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, क्या है हमारा 336 क्रोफेक्ट 2 1 2 6 2 3। दो एकम दो, एक रिमाइंडर बच गया, उसको हम आगे लेके जाएंगे 13 हो जाएगा, 2 6 12 दो छके 12 उसमें से घटा दिया, दो छके 12 कितना बच गया, एक बच गया, और एक इसके साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 2 8 16 दो चौके 8 दो चौके 8 दो दूनी 4 दो दूनी 4 दो एकम 2 और 3 7 21। हमने फैक्टर कर लिए किसके, इसके, अब फैक्टर करते हैं किसके 54 दो दूनी 4 दोस्ते और 3 9 और 3 3 9। क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया 54 को 27 आ गया, फिर 27 को डिवाइड किया 3 से 9 आ गया, फिर 9 को डिवाइड किया किसे 3 से कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हम इसके फैक्टर से ना वो लिख लेते हैं क्या 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब किसके लिख लेते हैं हम 54 के 2 × 3 × 3 × 3। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम एच सी एफ निकाल लेंगे। हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब और 2 तो कोई है मैच नहीं हो रहा, तो उसके बाद 2 है, ये भी 2 है, तो ये मैच नहीं हो रहा, तो ये भी मैच नहीं होगा, ये भी मैच नहीं होगा। हमने देखा 3 मैच हो रहा है, तो गुणा में कितना 3, और 7 तो मैच है ही, दोनों ऐसे नंबर को ऐसे बोलते तो दोनों के अंदर हो, तो दोनों के नंबर क्या मिला हमें 2 और 3, तो 2 3 6। और क्या निकालना हमने एल सी एम, अभी बताया था किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई एच सी एफ, 2 नंबर की गुणा और उनको एच सी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका एल सी एम। हमारे पास 2 नंबर क्या है 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाई किससे, जो हमारा एच सी एफ आया, कितना एच सी एफ आया 6 से कैंसिल करते हैं 6 9 54 9 किसकी सतना करेंगे 9 6 54 5 कैरी करेंगे 9 3 27 और 5 32 3 9 3 27 और 3 30। ये आपका क्या है एलसीएम है, ये आपका क्या है एचसीएफ है। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड। हर क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या निकाल के दिखाना है एचसीएफ और एलसीएफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला 12 15 और कितना 21, इसका हम क्या निकाल के देखते हैं एचसीएफ और एलसीएफ। पहले तो क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं 12 के 2 6 2 3 15 3 5 71 कितना 37 लिख लेते हैं इनको 12 2 × 2 × 3 15 3 × 5 21 3 × 7 क्या निकालना है एच सी एफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × में कितना 3
तीन के पावर तीन गुना में पांच ही लिख सकते हैं और इसको तीन गुना सात, क्योंकि यहाँ पे एक एक एलिमेंट एक एक बार की है, तो इस वजह से हमने वो एजिटीज रख दी। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ के लिए हमने क्या बोला था, ऐसी कोई क्वांटिटी जो वैल्यू पहले हमने दो डिजिट का सोल्व किया था तो दोनों के अंदर होनी चाहिए, अब हम तीन डिजिट का सोल्व कर रहे हैं तो वो वैल्यू जो तीनों के अंदर सेम हो। हमने क्या देखा, दो यहाँ पे, दो इनके अंदर नहीं है, फिर दो, फिर हम किसके ऊपर गए, तीन के ऊपर, तीन यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है और तीन आपका यहाँ भी है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हो गया, तीन। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे मिल सकता है, जैसे दो है, दो की सबसे बड़ी पावर पहले तीनों में देखो, जो भी इसके अंदर भी देखेंगे दो, इसके अंदर भी देखेंगे दो, इसके अंदर भी देखेंगे, जो जो सबसे बड़ी पावर है वो हम लिखेंगे। तो मैंने देखा दो की पावर कितनी है, दो सबसे बड़ी है, दो लिख दिया मैंने। फिर किसके ऊपर जाएंगे हम, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, तीन है, तीन की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, हमने क्या देखा तीन की पावर तो कितनी है, एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे, तीन। हमने दो भी लिख दिया, तीन भी लिख दिया, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या बच गया, पांच। पांच की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक। पांच की पावर एक ही सबसे बड़ी पावर है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, सात। सात की पावर कितनी हमारी, एक, तो सात की पावर एक लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो की पावर दो चार, पांच की और तीन की गुणा पंद्रह, पंद्रह की और सात की गुणा एक सौ पांच, गुणा करते हैं चार पांच बीस, चार एकम चार। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट है उसकी सबसे बड़ी पावर आप देखेंगे, वो सबसे बड़ी पावर आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उस एलिमेंट का आप भूल जाएंगे, वो कहीं भी हो से उसका हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे दो देख लिया, दो की पावर दो सबसे बड़ी है, तो वो लिखने के बाद दो कहीं भी हो उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, फिर हम तीन पे गए, फिर हम पांच पे गए, फिर हम कहां पे गए, सात के ऊपर गए, फिर हमने क्या निकाल दिया आपका, एल सी एम निकाल दिया। इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एल सी एम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर दो पार्ट और बच गए, वो आप ट्राई करके देखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फोर के अंदर क्या दिया हुआ आपको, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ किसका, 306657 इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम दो नंबर से 306 एंड 657, इसका आपको एचसीएफ गिवन है, आपको क्या नंबर क्या निकाल के दिखाना है, एलसीएम निकाल के दिखाना है। तो हमें पता है जब हमें दो नंबर का एचसीएफ गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, यानी कि उन दोनों नंबरों की गुणा और डिवाइड किससे कर दे, अगर हम उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम। तो सॉल्व करते हैं, हमने देखा हमारे पास दो नंबर क्या है, 306 और 657, तो 306 प्रोडक्ट मतलब गुणा, 657 किससे डिवाइड करें इसको हम, 9 से, क्योंकि हमारा एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर गिवन है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, इसको ही कर लेते हैं, 9 3 27, 9 4 36 और 657 गुणा में कितना, 34। और इसकी अगर आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। मल्टीप्लाई आप खुद ट्राई करके देखेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम,
नेक्स्ट सम लेते हैं। इसके अंदर देखो क्या कहता है, फिक्स फिफ्थ सम के अंदर कहता है सिक्स की पावर एन लिख दिया ना, आलो कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या कहता है, जो सिक्स की पावर एन है ना उसका कभी भी अंत नहीं होगा, यानी इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर। ये हमें क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है ये होएगा या नहीं होएगा। अब हम पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर इसका हम रीजन बताएंगे कि ये जीरो के बराबर क्यों नहीं होता। हमने क्या क्या कहा है, छह की पावर एन, छह की पावर एन को तो लास्ट एलिमेंट है वो जीरो नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं हमारे, छह से, छह की पावर एक रख दिया हमने, छह की पावर कितनी दो, छह की पावर कितनी तीन, छह की पावर चार, आप इस तरीके से कितनी भी पावर लिख सकते हैं। तो छह की पावर एक का मतलब कितना होता है छह, छह की पावर दो का मतलब कितना होता है छह गुणा छह छत्तीस, और छह की पावर तीन का मतलब क्या होगा छत्तीस गुणा में छ, क्योंकि छह की दो तो हमने सोल्व कर ली थी, छह की तीन का मतलब छह गुणा छह गुणा छह तो 216, और छह की चार का मतलब क्या होगा छह गुणा छह गुणा छह गुणा छह, छह की चार बार गुणा। अब इनकी तो गुणा हमने कर ली, कितनी आ गई थी 216, क्योंकि हमने ऊपर करके देख लिया। अब छह से गुणा करते हैं कितना आएगा 1296। अब हमने देखा इस जो लास्ट एलिमेंट है वो जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है। इस तरीके से आप एन की जगह नेचुरल नंबर कोई भी रख लेंगे तो जो इसकी वैल्यू वो जीरो के बराबर नहीं होगी। तो अब इसका रीजन हम देते हैं, अब देखते हैं क्या है सिक्स की पावर एन। अब इसके हम फैक्टर करते हैं इस एलिमेंट के, फैक्टर किया तो हमने कितना आ गया दो गुणा में कितना तीन की पावर एन। हम इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर कोई भी नंबर है आपका जो गिवन है उसके जो हम फैक्टर कर रहे हैं उसके अंदर अगर पांच है ना, पांच, ये पांच नाम का वर्ड आ जाए तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो जीरो हो सकता है, नहीं तो उसका लास्ट एलिमेंट जीरो नहीं होगा। जो नंबर आपको दिया हुआ है जिसकी पावर दी हुई उसके आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आप देखेंगे उस नंबर के अंदर पांच नाम का जो एलिमेंट है या वर्ड है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो पांच नाम का वर्ड उसके अंदर है तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो जीरो हो होएगा, नहीं तो जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने देखा छह के फैक्टर करने के बाद दो गुणा में तीन आया तो यहाँ पे पांच नहीं आया, तो हम कह सकते हैं जो इसका अंतिम अंक होगा वो भी जीरो नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ जो हमारा सम है उसमें हमें क्या लिखा है, सात गुणा ग्यारह गुणा तेरह प्लस के कितने तेरह, और एक हमारा नंबर क्या है सात गुना छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक जमा पांच। हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर आपके कंपोजिट नंबर है या नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर क्या हो दो से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे पहले क्या इसके में से कुछ वैल्यू को बना रही है। हमने देखा क्या थर्टीन यहाँ भी है, थर्टीन यहाँ भी है, तो सात गुना ग्यारह प्लस का कितना एक तेरह और सतहत्तर और कितना एक अठहत्तर और तेरह, और ये हमने क्या लिख दिया सतहत्तर और एक अठहत्तर। अठहत्तर को अब हम डिवाइड करें तो ये क्या हो सकता है दो से विभाग होता है, इससे विभाग होता है, छह से विभाग होता है, और बाहर क्या है हमारा तेरह तो ऑलरेडी है ही। तो ऐसा कोई नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे पहले हमने 13 कॉमन निकाला, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा ये दो नंबर है ना ये दो से और छह से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो इसका मतलब ही हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है।
कंपोजिट नंबर है। आप इसके फैक्टर को लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा था 13 गुणा 78 के अंदर हम फैक्टर कर लेते आएंगे, 2 3 6 दोनों में 18 और 3 1 3 3 3 9 तो 2 × 3 × 13 तो हमने क्या देखा, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और किससे भी, 13 से भी। जब नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो उसको नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से हम अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा 5 है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, कॉमन निकाल दिया, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का कितना 1 5 7 6 42 4 3 12 × 24 प्लस का कितना 1 5 गुणा करते हैं 24 × 2 48 कितने कैरी किए 4 24 96 4 100 1008 प्लस का कितना 1 यानी कि 5 × 1000 1009। अब आप 5 1009 के फैक्टर करके देखेंगे तो वो अभी क्या मिलेंगे आपको, एक तो हमारे पास आ ही गया, 2 फैक्टर इसके हमें मिल जाएंगे। और ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर क्या हो 2 से ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्योंकि एक तो 1009 से डिवाइड होगा और एक किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और तीसरा नंबर हमारा क्या मिलेगा 5। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है हमारा इस तरीके, एक सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड के, एक खेल का जो मैदान है उसके चारों ओर क्या है, एक सर्कल के आकार का पाथ ग्राउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया नाम की एक लड़की है जो यहां से अगर दौड़ना स्टार्ट करे, इसका पूरा चक्कर अगर वो कवर करे तो 18 मिनट लेती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स कवर ए कंप्लीट पाथ। सोनिया 18 मिनट लेती है इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, क्या कहता है, अगर सोनिया भी यहां से दौड़ना स्टार्ट करे और रवि भी यहां से दौड़ना स्टार्ट करे और यहां पे चक्कर लगाना स्टार्ट करे तो वो दोबारा कितने समय के बाद इकट्ठे होंगे एक पॉइंट पे, यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, वो हमें क्या करते दिखाना, निकाल के दिखाना। यानी कि सोनिया ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, इस तरीके से दौड़ते दौड़ते दोबारा यहां पे आ गई, फिर दौड़ती रही और इसी तरीके से रवि भी दौड़ता रहा बार बार, तो वो कितने समय के बाद दोनों इकट्ठे होंगे वो हमें क्या निकाल के दिखाना है। अब सोनिया ने कितने मिनट ली हमारी 18, रवि ने कितने मिनट ली हमारी 12। अब वो कितने समय बाद, यानी कि सबसे पहले कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहले वैल्यू वाली वाई वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है, एल सी एम निकाल के दिखाना है। इसका मतलब वो सबसे पहले कितने समय बाद हमें मिलेंगे, वो एक जगह पे मिलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे इनका एल सी एम। तो पहले हम 18 के फैक्टर करते हैं तो वो कितने आएंगे, 2 × 3 × 3 और 12 ही करेंगे तो 2 × 2 × 3। पहले हम एच सी एफ निकाल लेते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है आपका, जो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू हो, क्या दिखाई दिया 2, क्या दिखाई दिया 3। अब हमें क्या निकालना है एल सी
एम, एलसीएम किसके इक्वल होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई एचसीएफ, एचसीएफ कितना हमारा 6 × 6 = 12, 18 × 36। मिनट के बाद वो दोनों जो सोनिया और रवि हैं वो उसी जगह पे क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। वैसे हम सिंपल देख ले तो सोनिया कितने मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट, तो दूसरे दो चक्कर पूरे करने में कितने मिनट हो जाएंगे उसकी, 36, एक चक्कर में 18 मिनट, तो दो चक्कर में कितने मिनट, 36 मिनट। अब रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट, तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा, 12 मिनट में दूसरा भी चक्कर पूरा, 12 × 24 मिनट होगी। अब 12 मिनट में तीसरा चक्कर भी पूरा, यानी कि वो 3 चक्कर पूरा करता है रवि, और जो आप सोनिया है वो कितने चक्कर पूरा करती है, 2 चक्कर पूरा करती है 36 मिनट के अंदर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।